फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। व्हाट इज अप माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं आज जा रहा हूँ फोर्ट कोची सेंट फ्रांसिस चर्च, जहाँ पे वास्को डा गामा का शव रखा गया था 15th century में। बाकी की बातें करते हैं फोर्ट कोची पे जाकर। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। Okay, so tell me, like, what is this? This is Satya. Satya. That you can get in on the way to Ernakulam. Okay. There is a place called Tevara. Tevara. And there is one restaurant called Sarovaram. Sarovaram. There you can have Satya. Like, this is a local food of Kerala, no? Kerala traditional meals. Traditional meals, yeah. 1, 2, 3. Yeah, how much? Cut the video. 350. 350. मुझे नहीं मालूम भैया ज्यादा ले रहे कम। तो मैं चेटा को अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब कराना चाहता हूँ। 350 के लिए एटलीस्ट एक सब्सक्राइबर तो बनता है। तो आगे है मेरे सेंट फ्रांसिस CSI चर्च, जो कि फर्स्ट यूरोपियन चर्च है इंडिया का। और इससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ का नक्शा क्या है फोर्ट कोची का। तो ठीक, चर्च के आगे नक्शा लगाया गया, बहुत सही तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ अभी, और ये इतना सारा जगह घूमना है, बट मैं ज़्यादा मैं कवर तो कर नहीं सकता। यहाँ का जो मेन प्लेसेस है मैं वहीं पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो दूसरे मैप में सही तरीके से समझाया गया, लाइक टूरिस्ट को अलग दिक्कत ना हो। चलते हैं अंदर। तो 1524 मतलब कि आज से 200-300-400 साल पहले वास्को डा गामा का जब देहांत हुआ था, तो आपने जैसे कि देखा वहाँ पे टॉम था, तो वहाँ पे रखा गया था वास्को डा गामा को। उसके बाद आफ्टर 14 ईयर्स वास्को डा गामा के बेटे ने शायद उनका शव यहाँ से ट्रांसफ़र किया लिस्बन पे, जो कि कैपिटल ऑफ पोर्टुगल। तो यार इतना साल क्यों लग गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शायद यहाँ के लोग चाहते थे शायद उनका शव ट्रांसफ़र ना हो, मतलब कि यहाँ से मूव ना हो। तो अच्छा लगा यार अंदर जाके, बहुत इस वास्ते लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस। और जो ये आप देख रहे हो ना ऊपर की घड़ी, ये बहुत ही पुराना है, अभी तक इसको वैसे रखा गया है। अब मैं आ गया डच पैलेस, जिसको मटन चेरी MTTNCHERRY मटन चेरी पैलेस भी कहते हैं। और इसको यूरोपियन ने बनाया था, उसके बाद डच आए, पहले यूरोपियन थे, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश आए। तो यूरोपियन ने इसको बनाया था, इस पैलेस को, ये रहा। और जब डच आए तो डच ने मॉडिफाई किया, रिनोवेट किया, तो उसके बाद से डच नाम पड़ गया इसका। वे टू म्यूजियम टिकट काउंटर, अच्छा ये ऊपर है। तो मैंने टिकट ले लिया, जिसका 5 rupees है बस। और इसके म्यूजियम के अंदर पे फोटोग्राफी अलाव है ना सर, फोटोग्राफी अलाव है, बट वीडियो नहीं कर रहा, तो मैं आपको जस्ट फोटो दिखा सकता हूँ यहाँ का। आपने जो वीडियो देखा ना अभी अंदर का वीडियो, सॉरी जो आपने फोटो देखा अभी ऊपर वाला, तो वो जितने भी फोटोज़ देखा सारा 300-400 साल पुराना फोटोज़ है, मतलब कि फोटोज़ कह रहा हूँ, सामान है वहाँ पे जो भी रखा हुआ, पेंटिंग से लेके हेड से लेके इवन क्या कहते हैं सीजर कैची, तो बहुत सारा चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट जो 300-400 साल प्रिजर्व करके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही मतलब सी जो लोग हिस्ट्री क्लास बंक ना किया हो स्कूल में, उनको ये सारा चीज़ बहुत पसंद आएगा। मैंने तो बंक किया था वैसे बट यार अच्छा लगा यार देख के। फिर भी यार अभी बचपन में यार हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, जब जैसे बड़ा होते गया धीरे धीरे जैसे समझा इस दुनिया को, तो हिस्ट्री में यार बहुत इंटरेस्ट है यार अभी जानने का। मैं एंशेंट प्लेस और विजिट करना चाहता हूँ, एक सपना है इजिप्ट विजिट करने का, पता नहीं कब पूरा होगा मेरा। चलते हैं अभी जीव स्ट्रीट की तरफ।
तो अब मैं आगे जियो स्ट्रीट তুমি কি অসমৰ নেকি তুমি কত টাকা ইয়াতে না না আমি আমি এই জানা আছি ইন্টার্নশিপ কৰা না আচ্ছা সেফটি আচ্ছা আচ্ছা মই জাস্ট অসম আমি ইয়াতে থাকে নেকি নাই মই ৰিন্দো থাকে ইয়াতে অ ৰিন্দো ইয়াতে থাকে মই জাস্ট কৰিব আইছো এ 10 বছৰ লাগি তো আমি জাস্ট মানে এই নে গছিল ফটো ছিলে গছিল আপুনি আহি আছে ইয়াতে কোন সোরা নে এ মেরেন যায় ও মেরেন যায় চলো পায়া হ্যাঁ तो मुझे भी मिले थे कुछ आसाम के लोग मिले थे नौगांव के तो उनसे कुछ बातें हुई वार्तालाप तो वो आया था इंटर्नशिप के लिए और यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा शोर शराबा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से मैं बात भी नहीं कर पा रहा बहुत ही मतलब थोड़ा पीसफुल एरिया है ये रहा ये चारों ओर बिल्डिंग है और बीच पर आप वॉक करते हो तो आगे है मेरे जियो सिनेकॉक कोचिंग सिनेकॉक भी कहा जाता है इसे ये रहा। तो अफसोस की बात ये है कि मैं अंदर वीडियो नहीं कर सकता फ़ोटो भी ले नहीं सकता जियो सिनेकॉक में बस बाहर करना अलाउ है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी तो मैं फटाफट अंदर देख के आता हूँ कि क्या है अंदर पे Tell me something like about Mocha, if you know. Just few lines. Like this cafe. This cafe. This cafe name is like Mocha. Yeah. Just what? I just wanted like what means. You need to know. No, Mocha. Just, see, before I drink like 200 bucks coffee, I just want to know about some information like. Okay. Because in this coffee, we are using two different types of. Coffees, okay. And some cookies, chocolate syrup, and Oreo. Okay. Solve them together. Okay. And we also use some peanut butter in it. Okay. It's option. Some of the people, it's allergy. That's the main thing. Acha acha. Yeah. That is like mocha coffee is like especially, na? Yeah. Okay. Give one mocha. And the mocha. It's not the chocolate we are mentioning. It's the name. Acha. Some of the people think the mocha means it's chocolate. Mocha means chocolate. Yeah, but it's not mocha. Okay, mocha. Chocolate cold coffee. Acha acha. Okay, give one mocha, special blended cold coffee. मैं सोच रहा था यहाँ पे बैठ जाओ बट यहाँ से अच्छा यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है मैं दिखाता हूँ ये देखो दिस इज द कैफे एरिया इन जियो स्ट्रीट और ये बिल्कुल शांत है और बिल्कुल यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो यार मैं आज अकेला ही एंजॉय करने वाला हूँ वैसे ये कुछ काम का नहीं है साइड में रखता हूँ ओके दिस इज द जियो स्ट्रीट ये रहा इस तरह भी यहाँ से मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा तो मैं वेट कर रहा हूँ मेरे कॉफी का भी और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है यहाँ पे बहुत ही सुंदर आर्ट किया है बहुत सही तरीके से तो मेरी 200 रुपए की मोका कॉफी आ गई है सो हियर इज द रिव्यू ऑफ 200 बक्स मोका कॉफी वाह नाइस ठीक है ऊपर का सही है दो सौ रुपये का जो कॉफ़ी है
तो ये सर ने मेरे को फ्री में ऑफर किया है, थैंक यू सो मच सर। सो हिज नेम इज़ कनन, कनन डेनियल, कनन डेनियल, बट पीपल नो यू एज कनन, बट आई लाइक द नेम डेनियल, इट सूट्स यार। थैंक यू सो मच सर, जस्ट चेक इन यार, थैंक यू सो मच यार। Kochi Muslim Biennale is the one of the famous festival happening in Kochi. In 2 years, it's gonna be happen. In that Biennale time, all of the artists from the different countries came here and present their work. It's gonna be happen for I think 3 or 4 months. Okay, from and December or November? Yeah, actually November is gonna be start and it's gonna be happen till March of last. I think it is in like Fort Kochi. No, but the main part is happening in Fort Kochi in Aspinwall House, mm-hmm. and some of the Biennale venues happening in Mattanchery. This cafe is also a Biennale venue. Last Biennale, this is exhibition hall for the the famous photographer Nick Cute. Okay, thank you. तो यहाँ पे मटनचेरी में नवंबर या फिर दिसंबर से आर्ट इवेंट होने जा रहे हैं, जो कि शायद फरवरी तक शायद चलेगा, फरवरी मार्च तक। तो बहुत ही बड़ा इवेंट जहाँ पे लोग अपना पेंटिंग यहाँ पे आके दिखा सकते हैं, बहुत सारे लोग खरीदते भी, लाइक लैक्स में जाते हैं ये सारा पेंटिंग्स, और इवन वॉल स्ट्रीट भी यहाँ पे करते हैं, वॉल स्ट्रीट पेंटिंग भी यहाँ पे करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट जो भी इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। अगर नंबर चाहिए हो तो आई कैन गिव यू इफ़ यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं हूँ अभी आर्ट स्ट्रीट पे मटनचेरी। सो मटनचेरी इज़ ऑल अबाउट आर्ट। मैंने देखा जितना अभी घूम के, हर जगह आर्ट है, पेंटिंग से रिलेटेड, स्केच से रिलेटेड, इवन हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड, बहुत सारा चीज़ आर्ट से भरा हुआ है। तो अगर आप आर्टिस्ट पर्सन हो या फिर आप आर्ट को चाहते हो तो आप फोर्ट कोचे आते हो तो यार मटनचेरी ज़रूर आप विज़िट कीजिए, वेरी लवली प्लेस। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये जो वॉल, ये सारा आर्ट के लिए है ये वॉल। तो पूरे मटनचेरी में ये मुझे सबसे बेस्ट पेंटिंग लगा है। तो इसे बनाया है पराग सोनारघरे, 2018 को बनाया था पराग सोनारघरे ने। ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है यार देखने में। अगर आप आते हो मटनचेरी तो यहाँ पे ज़रूर आना यार। तो आप मैं चल रहा हूँ चाइनीज़ फिशिंग नेट देखने, जो कि लोग कहते हैं कि यार बस केरला में, एक्चुअली केरला में नहीं है, असम में भी है, और बस फोर्ट कोची में नहीं है, केरला के हर किसी कोने में आप देख सकते हो चाइनीज़ फिशिंग नेट। ये रहा, बट ये बहुत ही ह्यूज है। तो ये फोर्ट कोचि का एक गैलरी, बहुत ही पुराना है, बाकी सारा डिस्ट्रॉय हो गया है यहाँ पे, बस एक ही बचा हुआ ये। तो दिस इज अ रियल टैंकी, ये रियल है, अभी ये काम नहीं करेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 300-500 साल पहले। खा रहा हूँ बहुत ही टेस्टी भुट्टा यहाँ पे फोर्ट कोचि पे, और यहाँ पे देखने के लिए बहुत शुक्रिया गाइस। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे, नए डेस्टिनेशन पे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो भाई, टेक केयर।